फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा ये नया चैनल फिल्मी बातें विद अभिसार, और आज हमारा पहला शो टाइगर वर्सेस पठान। दोस्तों, बॉलीवुड हंगामा की एक खबर के मुताबिक अगले साल यानी जनवरी 2024 में टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले टाइगर 3 में शाहरुख और सलमान एक साथ दिखाई देने वाले हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि आपने पठान में देखा था सलमान और शाहरुख जब साथ आए थे उस मशहूर ट्रेन फाइट सीन में। अब टाइगर 3 में सलमान और शाहरुख एक बार फिर आने वाले हैं, और यह बताया जा रहा है कि जहां पठान में दोनों ने ट्रेन के ऊपर छैया छैया किया था, उसी तरह से टाइगर 3 में एक जेल ब्रेक सीन होने वाला है जिसमें शाहरुख और सलमान दोनों मिलकर जेल की सलाखों को तोड़ के एस्केप करने वाले हैं। तो टाइगर 3 में तो ये दोनों इस तरह से दिखाई देंगे, मगर अब बॉलीवुड हंगामा की इस खबर के मुताबिक दोनों एक फिल्म में आ रहे हैं जिसका नाम है टाइगर वर्सेस पठान। जिसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं होने वाला है कि किसी एक एक्टर का स्पेशल अपीयरेंस होगा और एक एक्टर मेन एक्टर होगा, नहीं 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 साहब, पठान में सलमान स्पेशल अपीयरेंस, उसी तरह से टाइगर 3 में शाहरुख खान स्पेशल अपीयरेंस, मगर जो फिल्म आने वाली है ना टाइगर वर्सेस पठान, दोनों का बराबरी का रोल होगा। यानी कि जो जलवा आप हॉलीवुड में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस या कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स में देख चुके हैं, वही जलवा आप टाइगर वर्सेस पठान में देखने वाले हैं। अब मैं जानता हूं आप में से कई लोग ये जानना चाहेंगे कि जिन दो हॉलीवुड फिल्म्स की मैंने बात की उनमें दरअसल क्या था। दरअसल डीसी कॉमिक्स के किरदार पर आधारित बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस रिलीज हुई थी। फिल्म को मिला जुला रिएक्शन मिला था, मगर फैंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई थी क्योंकि बैटमैन और सुपरमैन आमने सामने थे टक्कर लेते हुए। वो सीन याद है ना आपको, डू यू ब्लीड, जब बैटमैन सुपरमैन से बोलता है कि चोट लगने के बाद क्या तुम्हें खून निकलता है, वो सीन इस फिल्म का हाईलाइट था। दोस्तों, उस फिल्म के बाद मार्वल कॉमिक्स की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर रिलीज हुई। इसकी खास बात यह थी कि एक तरफ कैप्टन अमेरिका थे और दूसरी तरफ आयरन मैन, जी हां, और दोनों के बीच टकराव हुआ था, दोनों के बीच ऐसी दरार हो गई थी जो फिर एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर में जाकर जुड़ पाई। यानी कि तब तक दोनों में नाराजगी थी मगर बाद में एक साथ हो गए दोनों, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स। और यह मुकाबला न सिर्फ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच में था, बल्कि आयरन मैन के साथ कुछ सुपर हीरोज हो गए थे और कैप्टन अमेरिका के साथ कुछ सुपर हीरोज थे, और उनके बीच जो शानदार मुकाबला हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि सिविल वॉर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर्स एक सुपर डुपर हिट साबित हुई। उन्हीं लाइंस पर जनवरी 2024 से टाइगर वर्सेस पठान शुरू होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि यह फिल्म शायद भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी। मैं आपको बतला दूं कि यशराज फिल्म्स दरअसल स्पाई वर्स के अंतर्गत ये तमाम फिल्में बना रहा है, चाहे वॉर हो, चाहे टाइगर 1 हो, टाइगर 2 हो, पठान हो, ये तमाम फिल्में यशराज फिल्म्स के स्पाई वर्स के अंतर्गत आती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मार्वल की अवेंजर सीरीज जिसमें तमाम सुपर हीरोज एक साथ होते हैं एक दूसरे से लुहा लेते हुए। इसी तरह से जनवरी 2024 को एक ऐसी फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है जिसमें टाइगर पठान से लुहा लेंगे, और जैसे मैंने कहा यह फिल्म भारतीय इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होगी। क्यों, मुलायजा फरमाइए, क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान अपनी हर फिल्म के लिए कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ लेते हैं।
उसी तरह से सलमान खान का भी यही पेरेंट है, कम से कम 100 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़। हालांकि मैं किसी ट्रेड मैगजीन में पढ़ रहा था और शाहरुख खान के बारे में एक बहुत दिलचस्प इंफॉर्मेशन थी कि वो अपनी हर फिल्म के लिए 35 करोड़ लेते हैं और फिर फिल्म को जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शाहरुख की जेब में जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि दोनों के 150-150 करोड़ मिल जाते हैं तो हो जाता है 300 करोड़, यानी कि इस फिल्म का जो बेसिक बजट होगा वो सलमान खान और शाहरुख खान की सैलरीज होंगी, यानी करीब 300 करोड़, और फिर उसके ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स, शूटिंग, डायरेक्टर कॉस्ट, जो दूसरे एक्टर्स हैं उनकी कीमत वगैरह वगैरह। इसीलिए मैंने कहा कि टाइगर वर्सेस पठान बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित हो सकती है। मगर मुद्दा सिर्फ कॉस्ट का नहीं है, मुद्दा ईगो का है। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, पठान के अंदर सलमान का स्पेशल अपीयरेंस था, उसी तरह से टाइगर 3 में शाहरुख खान का स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। दिक्कत क्या होने वाली है कि जब दोनों का मुकाबला होगा, जब दोनों आमने सामने होंगे, तो स्क्रिप्ट के लेवल पर दोनों स्टार्स के ईगोज जो हैं वो क्लैश करने वाले हैं। पता चला सलमान ने कहा, अरे भाई शाहरुख खान को बेहतर डायलॉग मिल गया, या फिर शाहरुख को ये बात पसंद ना आए कि सलमान खान जो ये एक्शन सीन कर रहे हैं उन पर भारी साबित हो रहे हैं। यानी स्क्रिप्ट के लेवल पर टकराव होगा और स्टार्स के अपने ईगोज होते हैं, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि सलमान और शाहरुख पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए। एक जमाने में दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही थी, मगर फिर बाबा सिद्दीक की ईद पार्टी होती है, दोनों गले मिलते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। मगर हां, अगर इन दोनों के बीच में ईगो क्लैश नहीं हुआ तो यकीन मानिए दोस्तों, टाइगर वर्सेस पठान बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान लेके आने वाली है कि कोई सामने नहीं टिकने वाला है। यानी कि एक तरफ इनका जलवा और दूसरी तरफ उनका जलवा और दर्शकों की बल्ले बल्ले। क्योंकि दर्शकों को क्या चाहिए, दर्शकों को चाहिए पैसा वसूल फिल्म। अब पठान क्रिएटिवली अच्छी थी अच्छी नहीं थी वो एक अलग मुद्दा है, उसी तरह से टाइगर 2 टाइगर जिंदा है वो सही थी गलत थी क्रिएटिवली वो एक अलग मुद्दा है, मगर बॉक्स ऑफिस की निगाह से ये फिल्में एक ऐसा तूफान थी। और सोचिए जब ये दोनों एक्टर्स आमने सामने होंगे, एक दूसरे से भिड़ रहे होंगे, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान आने वाला है। दोस्तों पठान की रिलीज होने से पहले बॉलीवुड का मर्सिया लगभग लिख दिया गया था, यानी कि बॉलीवुड तो अब बर्बाद होने वाला है, कोई फिल्में नहीं चल रही हैं। मगर फिर पठान आई और उसने सूरत बदल दी। उसके बाद कुछ और फिल्में रिलीज हुई जो अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि फिल्में चलेंगी ना दोस्तों तो लोगों को रोजगार मिलेगा, बॉलीवुड बढ़ेगा तो देश का नाम भी रोशन होगा। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी फिल्में काम करें। और टाइगर वर्सेस पठान कई कदम आगे जा रही है दोस्तों, उसे देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। मगर क्या आपको लगता है कि सिर्फ टाइगर वर्सेस पठान बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म होगी? जी नहीं साहब, मैंने आपसे क्या कहा, यह यशराज फिल्म्स की स्पाई वर्स है और इसमें एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था वॉर। यानी कि स्पाई वर्स में ऋतिक, सलमान और शाहरुख खान का भी आना तय है, यानी कि ऋतिक भी होंगे, शाहरुख भी होंगे और सलमान खान भी होंगे। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फिल्म कैसी होगी, उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या तूफान आएगा, और सबसे बड़ी बात वो कितनी महंगी होगी। और मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर हम शाहरुख, सलमान और ऋतिक की बात करें तो अगर तीनों की सैलरीज की ही बात करें तो कुल सैलरी इनकी करीब 400 करोड़ है, मिनिमम 400 करोड़, और उसके ऊपर फिल्म का स्पेशल इफेक्ट्स, डायरेक्टर कॉस्ट, बाकी एक्टर्स का कॉस्ट, शूटिंग कॉस्ट और तमाम चीजें। यानी कि अगर एक ऐसी फिल्म बनी स्पाई वर्स के अंतर्गत जिसमें शाहरुख, सलमान और ऋतिक होंगे, तो उसका बजट कम से कम 800 करोड़ रुपए का होगा।
और ये मैं बहुत कम से कम बता रहा हूं, हो सकता है ये 1000 करोड़ से भी ऊपर जाए और इन तीनों का आना तय है अगर स्पाइवर्स से जुड़ी फिल्में बनती रहें तो। बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। और मेरा जैसा आदमी जो कमर्शियल फिल्म्स का लुत्फ उठाता है ना, मुझे इंतजार होगा। और हां, इसी मंच पर उन फिल्म्स का रिव्यू भी होगा। बिल्कुल, जैसा आपको याद है मैंने पठान का भी रिव्यू किया था, हालांकि वो एक दूसरा मंच था। इसीलिए मैं आपके सामने एक ऐसा मंच लेकर आया हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जिसमें सिर्फ फिल्मों की बातें होंगी। नो पॉलिटिक्स, नो सीरियस इश्यूज, फिल्मों की बात, म्यूजिक की बात, ट्रैवल की बात और खाने की बात, क्योंकि ये चार मुद्दे मेरा पैशन है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, बाय बाय। फिल्मी बातें विद अभिसार।